सानंद मानंद धवने वसंतम आनंद कंदम हिद पापा वृंदम वाराणसीनाथ ममनाद नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा जी बहुत अच्छा। सबसे पहले सवाल यही है कि आपने शिव का ही गाना क्यों चुना? मैम मैं 3 साल हो गए मुझे गाना गाते हुए, 2019 से मैंने स्टार्टिंग की थी जी। तो पहला सॉन्ग गाया था मैंने हीर रांझा का, जो काफ़ी वायरल हुआ था, और जब से ही पब्लिक मुझे इतना सपोर्ट करती रहती है कि मैं मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती गई ऐसा आज तक आज इस मुकाम पे हूँ कि बहुत लोग जानने लगे हैं और बहुत पॉपुलैरिटी भी हुई है। और ऐसा नहीं कि मैं भजन ही गाती हूँ, मैं नज़म भी पढ़ती हूँ और फिल्मी सॉन्ग भी। हमारे खुद के यूट्यूब चैनल हैं नाज म्यूज़िक, नाज भक्ति, नाज नज़म। तो अब से पहले मैंने बहुत भजन गा लिया, हमारे नाज भक्ति यूट्यूब चैनल है उस पर भजन पढ़े हैं हमारे। मैंने अपने भाई के साथ कांवड़ यात्रा में 2 भजन निकाले थे, घूमूंगी हरिद्वार, हरिद्वार की सैर। तो ऐसा नहीं कि यही गाना गाया, इससे पहले भी गाया लेकिन ये फेमस हो गया। जी बिल्कुल जी। अच्छा बहुत सारी खबरें आपके बारे में चल रही हैं लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं जो फतवा जारी करने की बात कही गई है, क्योंकि उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो सद्भावना की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ अगर कोई भी महिला है और कोई भी पुरुष है, अगर वो चाहे हिंदू धर्म का हो या फिर किसी अन्य धर्म का, अगर वो किसी और धर्म का है, किसी और धर्म का गाना गाता है, तो ये क्या जायज़ नहीं है? आखिर क्यों फतवे जारी होते हैं? मैम मैं गाना गाती हूँ और मुझे जो मेरे ऑडियंस है वो सभी धर्म के लोग हैं, सभी सुनते हैं मुझे। मैंने जब पहला गाना गाया तो उसको भी हिंदू ने भी सुना, मुस्लिम ने भी सुना, यहाँ तक कि मुझे कुमार सानू का ऑफर आया। अगर वो ये सोच के करते कि मुस्लिम में मैं अपनी साथ ना गवाऊँ इसे, तो कुछ भी नहीं था, मैं अपने घर पर ही रहती, कौन मुझे गवाता। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, बिल्कुल बस ये सोचा कि ये कलाकार है, अच्छा गाती है, और अपने बराबर में खड़े होकर मुझे उन्होंने अपने साथ गाना गवाया। और जो अब जो चल रहा है कि हर हर शंभू गाना गा दिया मैंने भजन जो है, तो उस पर फतवा तो है नहीं कि मौलाना जी ने या देवबंद के जो उलेमाए हैं उन्होंने फतवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो लोग हैं ऐसा, तो मैं अगर अच्छा गा लूँ जब भी मुझे ऐसी कमेंट आती हैं, और बुरा गाऊँ जब भी, तो कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, बाकी ये नहीं कि बहुत अच्छे बड़े मौलाना है वो मुझे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फतवा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये नाच गाना जो है ये जायज़ नहीं है, हराम है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप एक महिला हैं, एक बच्चे की माँ हैं, पति ने आपको छोड़ दिया है, उसके बाद अगर इस तरीके का फतवा जारी किया जाता है, डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, तो ये साफ पता चलता है कि एक ऐसी महिला को डराने धमकाने की कोशिश की है। बाद में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में काम भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। भजन की बात सुने तो मोहम्मद रफ़ी जी थे, उतने अच्छे अच्छे गा के चले गए। मास्टर सलीम जी वो भी एक से एक भजन गाते हैं, और हम तो उनके कुछ भी नहीं बराबरी के, कभी भी ना उनकी तुलना कर सकते ना ऐसे हो सकते, तो हम तो बहुत छोटे मोटे से इंसान हैं। तो देखिए जो सुनने वाले हैं वो सभी तरह के लोग हैं, और सभी की डिमांड आती है, कमेंट आते हैं कि आप भजन गाओ या आप कव्वाली पढ़ो, तो सभी चीज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं भजन ही भजन गाती हूँ।